किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के कोई भी काम नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, गुस्सा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती ही नहीं? क्या बात है, सबके चेहरे पे क्रोध के नाम पे मुस्कुराहट आ गई। जिसके शरीर में दम ना हो, जिसका शरीर कमजोर हो, जिससे बोलते नहीं बन रहा हो, उसको गुस्सा करने की ताकत उसके अंदर है ही नहीं है। वो गुस्सा कर सकता है क्या? हैं? अरे बोलिए ना, नहीं कर सकता। यानी गुस्सा करने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए। हाँ बोलिए, गुस्सा करने के लिए ताकत चाहिए। अभिमान दिखाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब कहीं अभिमान दिखा पाएंगे। तो अभिमान दिखाने के लिए भी मेहनत चाहिए। मायाचारी करनी हो, बिना मेहनत के हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। लोभ कषाय की पूर्ति, वो भी नहीं हो सकती। हिंसा बिना मेहनत के हो सकती है क्या? झूठ बिना मेहनत के बोला जा सकता है क्या? यानी जो कुछ संसार के जितने काम करने हो, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कुछ भी करना हो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता है। और जिसके अंदर शक्ति होती है वो ही करता है। और मुझे तो ऐसा लगता है इस एरिया में शक्तिमान लोग रहते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ तो बोल दो। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बुराई की ऊंचाइयां प्राप्त करें, एक जो अच्छाई की ऊंचाइयां प्राप्त करें, और एक होते हैं बीच वाले। कुछ समझ में आया नहीं आया? एक जो बुराई की ऊंचाइयां प्राप्त करे, चंबल की घाटी, भिंड मोरेना, कुछ याद आया नहीं आया? याद नहीं? नहीं, मैं पूरा तो बोलूंगी नहीं, आप इशारे में समझ जाओ। यदि साधुओं का जन्म मुरैना से हुआ है तो डाकू भी मुरैना से हुए हैं। यहां से साधुओं का भी मतलब बहुत सारे साधु बने हैं। और हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने इस नगरी में जन्म लिया है, जिन्होंने इस आंगन में खेला है, जो इस विद्यालय में पढ़े हैं, और जिन्होंने यहाँ के संस्कार प्राप्त किए हैं, और यहाँ के संस्कार को ऐसा उन्होंने पूरे भारत में फैलाया कि आज सारी दुनिया उन्हें ज्ञान सागर के नाम से आज भी याद करती है। आचार्य ज्ञान सागर जी की नगरी, आचार्य विमल सागर जी महाराज इसी विद्यालय में पढ़े हैं, प्रणाम सागर महाराज इसी विद्यालय में पढ़े हैं। कल मुझे पूरी लिस्ट दिखाई थी परसों मनोज जी ने, बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे भट्टारक हैं जो इस गुरुकुल में पढ़ करके गए हैं। ये वही आंगन है, ये वही मंदिर है जहाँ उन्होंने पूजा की होगी, जहाँ उन्होंने अभिषेक किया होगा, ये यही आंगन है जहाँ वो खेले होंगे, ये वही भोजनशाला जहाँ उन्होंने भोजन किया होगा। बड़ा जो मुरैना है ना, ये कमजोर मत समझना आप इसे, और मुरैना वालों को भी कमजोर मत समझना। इनके अंदर आज भी वो संस्कार हैं, आज भी इनके अंदर वो परमाणु हैं कि ये अच्छाई की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। बुराई का जमाना तो गया, बुराई की बात तो करनी नहीं है। आज भी अच्छाइयों की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, आज भी मुरैना वालों के अंदर वो ताकत है, और मुझे नजर आ रही है। और आज तो आपने सैंपल ही दिखा दिया। आज मैंने देखा, जब शुरुआत में जब मोड़ पर आए तो वहाँ पुरुष ज़्यादा थे, बच्चे ज़्यादा थे, महिलाएं कम थी प्रवेश में। हर जगह महिलाएं ज़्यादा होती हैं, पुरुष और बच्चे कम होते हैं। जब पुरुष और बच्चे युवा ज़्यादा जहाँ हो, मतलब वहाँ का भविष्य बहुत बढ़िया है। पूजा करना भी ज़रूरी है ताकि मंदिर का धर्म हो सके, विहार करवाना भी ज़रूरी है ताकि साधुओं की सेवा हो सके, दोनों ज़रूरी हैं। और सभी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के लड़ाई भी नहीं हो सकती है।
अरे बोलिए ना, जो लोग लड़ते हैं उनके अंदर वो जोर से बोलने की ताकत होगी तभी तो लड़ेंगे, उनके अंदर सोचने की ताकत होगी तभी तो लड़ेंगे, वो विचारों को दिमाग में घुमाते रहेंगे बुद्धि में तभी तो लड़ाई होगी, इसके बिना लड़ाई कैसे हो जाएगी। मतलब लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए, और स्वाध्याय करने के लिए उसके लिए भी ताकत चाहिए। लेकिन हमारा धर्म जो है ना वो बिना ताकत के भी हो सकता है, जैन धर्म बिना ताकत के भी हो सकता है। अब आप बैठे हो, आपको कोई मेहनत करनी पड़ रही क्या? नहीं करनी पड़ रही, हाथ पे हाथ रखे हो और आराम से पालथी मार के बैठे हो, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, धर्म हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे बोलिए ना, हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यानी धर्म करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, शांति की जरूरत है, समता की जरूरत है, त्याग की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत है। इकट्ठा करके भारी होने की जरूरत नहीं है, त्याग करके हल्का होने की जरूरत है। और त्याग शुरुआत करते हैं भावों से। जैन धर्म को कहते हैं बहुत कठिन धर्म है, किसी और धर्म वालों से पूछो बोले इनका धर्म बहुत कठिन है। भाई कठिन कैसे है, कठिन कैसे? बोले इनके साधुओं को एक टाइम आहार लेना पड़ता है, इनके साधु पैदल चलते हैं नंगे पैर, इनके साधु केश लॉन्च करते हैं, हैं, और सर्दी में भी जो हमारे मुनिराज होते वो वस्त्र भी नहीं पहनते। बहुत कठिन धर्म है, इतना कठिन धर्म तो दुनिया में है ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, महावीर का धर्म इतना कठिन नहीं कि कोई कर ना सके, महावीर का धर्म इतना कठिन नहीं कि कोई कर ना सके, और महावीर का धर्म इतना सरल भी नहीं कि सब कोई कर सके। महावीर का धर्म इतना सरल भी नहीं कि सब कोई कर सके। जब करने लगते हैं ना तो सरल लगने लगता है, जब तक किया नहीं है ना तब तक कठिन लगता है। अब जो बच्चे सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, बिना मेहनत के पढ़ाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, पहले सोचते अरे बहुत कठिन है सीए बनना, बहुत कठिन है सीए बनना, और जब रिजल्ट आता कि पास, अरे तो बहुत सरल था, हम तो एक बार में निकल गए। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कोई भी काम कठिन कब तक है? जब तक अभ्यास नहीं किया है, जब तक उसके संस्कार नहीं है, जब तक वहां हम पहुंचे नहीं है तब तक कठिन लग रहा है, और पहुंचने के बाद वही चीज सरल लगने लगती है। ऐसे ही जैन धर्म है, बिल्कुल यही जैन धर्म है। जैन धर्म भाव से होता है, भाव में आया तो नंगे पैर चलने में भी आनंद आता है, और भाव में नहीं है अरे देखो कितना कठिन धर्म है, नंगे पैर चलना पड़ रहा है, इतनी सर्दी हो रही है, इतनी रास्ता कठिन है, उसके बाद भी नंगे पैर चल रहे हैं। लेकिन जब चलने लगो और मन में आ जाए कि चलना है, क्यों चलना है, कारण पता होना चाहिए। और जैन धर्म हर प्रश्न का उत्तर देता है। घंटी बजाते हो, क्यों बजाते हो? चावल चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो? चावल चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो? आप पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पीली साड़ी पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? अष्टद्रव्य से पूजा करते तो आठ ही द्रव्य से क्यों करते हैं? रोज मंदिर आते हैं तो क्यों रोज मंदिर आते हैं? अभिषेक रोज करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? भगवान के देव दर्शन रोज क्यों करना चाहिए? सारे प्रश्न के उत्तर जैन धर्म देता है। यदि रात्रि भोजन त्याग है, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? छान के पानी पीना चाहिए तो क्यों पीना चाहिए? नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए? एक एक प्रश्न का उत्तर भगवान महावीर देते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवान महावीर ना देते हो। हर प्रश्न का उत्तर है भगवान महावीर के पास में, और पूरे तर्क सहित, बिना तर्क के नहीं, तर्क सहित। हाँ, कोई कुतर्क से उसे काटे तो बात अलग है। एक व्यक्ति था, एक सरदार जी थे, तो शादी में जैन अजैन सभी को बुलाया जाता, जो जो मित्र होते हैं सबको बुलाते हैं, तो वो भी गए, और एक डॉक्टर थे वो भी गए। अब वहां पर
डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब खाना खाइए, बोले नहीं जी मेरा तो रात्रि भोजन का त्याग है। तो सरदार जी सुन रहे थे, बोले अरे डॉक्टर साहब आप भी कहाँ पुरानी बातों में लगे हैं, जिस समय रात्रि भोजन त्याग कराया जाता था उस समय लाइट नहीं उठी, उस समय अंधेरा होता था, तो अंधेरे में तुम्हारी थाली में कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाएं, इसीलिए रात्रि भोजन त्याग कराते थे। अब तो देखो कितनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं, कहाँ जीव जंतु यहाँ आएंगे, और आएंगे भी तो दिख जाएंगे, आप तो आराम से खाइए। उन्होंने कहा नहीं भाई, रात्रि भोजन मैं नहीं करता, और इसका कारण मात्र ये नहीं है, जो जीव दिखते हैं वो तो हम दूर कर ही देते हैं, लेकिन पूरे वातावरण में रात्रि में जब सूर्य नहीं होता है तो अनंतानंत जीवों की उत्पत्ति होती है, और वो जीव हमारे भोजन में शामिल हो जाते हैं, इस बात का मुझे ज्ञान है, और उन जीवों को भगवान महावीर ने देखा है, उनकी केवल ज्ञान में आया हुआ है, तो इसलिए मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, सरदार जी ये आपने पगड़ी लगाई हुई है, आपने बाल बढ़ाए हुए हैं, ये उस समय की बात है जब नाई नहीं हुआ करते थे, सैलून नहीं हुआ करते थे, जब आप अपने बाल नहीं कटवा रहे हो तो मैं रात्रि भोजन कैसे कर लूं? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी आप कुतर्क से किसी चीज को काटना चाहो तो बात अलग है, लेकिन तर्क संगत बात करना चाहो तो जैन धर्म हर प्रश्न का उत्तर देता है। एक बार मैंने स्कूल में प्रतियोगिता करवाई थी, और प्रतियोगिता में मैंने जो उनको दिया था कि क्या किस विषय पर लिखना है, तो विषय था जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है सिद्ध कीजिए, उसमें जैन और अजैन सबको सबसे मैंने उत्तर लिए थे, सबके लिए विषय दिया था, अजैनों ने ऐसे ऐसे उत्तर लिख के लाए जो मुझे भी नहीं मालूम थे। मैंने कहा इस बात को ये भी जानते हैं, ऐसा आनंद आया पढ़ करके, और उनके उत्तर देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, और लोगों ने सिद्ध किया कि जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। चर्चा चल रही है राग अनुराग वैराग और वीतराग, क्या राग अनुराग वैराग और वीतराग, तीनों के पीछे राग है ना, राग, राग का मतलब जानते हो? अच्छा अटैचमेंट जानते कि नहीं जानते? अब बताइए कौन कौन जानता है अटैचमेंट? ओहो आप लोग सो तो नहीं गए? अच्छा आपके पास होगा नहीं इसलिए आप बता नहीं रहे हैं, आपको किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होगा, है किस किस चीज से है, लिस्ट बनाना, आज लिस्ट तैयार करना कि किस किस चीज से अटैचमेंट है, उसे कहते हैं राग, इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट, हिंदी में कहते हैं राग। फिर आया अनुराग, मैंने कल इस विषय पे बता दिया था, जो टीवी में सुनते होंगे उनने सुन लिया होगा, वैराग वो भी कल बता दिया था है ना, और वीतराग इस पर चर्चा आज करनी थी। तो जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, वीत तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, विज्ञान शब्द आया है, ज्ञान शब्द नहीं आया है, क्या आया है, विज्ञान, वीत राग विज्ञान, राग के साथ विज्ञान नहीं है, राग के साथ अज्ञान है, राग के साथ अज्ञान है, और वीत राग के साथ विज्ञान है, और वैराग्य के साथ सम्यक ज्ञान है। वीत राग विज्ञानता, वीत राग विज्ञान है, जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, जैसे एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में शोध करता है, महीनों शोध करता है, तब कहीं जाके कुछ तुम्हारे लिए खोज कर ला पाता है, इसी तरह से जैन धर्म में भगवान महावीर ने अंदर आत्मा में जाकर के ध्यान लगा करके आत्मा की खोज करी, और अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत शक्ति को प्रकट करके बता दिया कि जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। तो बंधुओं अभी मैं यही हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ आप मुझे लेकर आए हो, और लेकर नहीं आए हो, आपने तो पंच कल्याणक की झांकी दिखा दी मुझे।
मैं तो सोच रही आज ही जन्म कल्याणक हो गया। मैंने तो कहा था कि भाई जन्म कल्याणक का जुलूस मुरैना से वहां तक निकाल दें, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, हैं? लेकिन आपने आज उसका मंगलाचरण कर दिया। तैयार तो होना पंच कल्याणक के लिए। चलिए मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। घोड़े में रेश का, देशों में भारत देश का और आज के प्रवेश का बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का और करने में मेहनत का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, धरती में चीटी का और यहाँ आई सारी कमेटी का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले विधान का बड़ा ही महत्व है। गाने में लय का, उम्र में वय का और मुरैना के संस्कृत विद्यालय का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके प्रतिदिन आने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और मध्य प्रदेश में मुरैना का बड़ा ही महत्व है। मेवे में काजू का, चमत्कार में जादू का और मुरैना से बनने वाले साधु का बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आचार्यों में ज्ञान सागर का बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, पक्षी में पर का और आचार्यों में सन्मति सागर का बड़ा ही महत्व है। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में धौलपुर का बड़ा ही महत्व है। त्रियांचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। और कहां वाले बैठे हैं? ग्वालियर। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। टिकटोली। अच्छा। शिखरजी में डोली का, कोयल की बोली का और आने वालों में टिकटोली का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और पंच कल्याणक की घट यात्रा का बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और होने वाले ज्ञान तीर्थ के पंच कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और पंच कल्याणक की पूजा में बैठने का बड़ा ही महत्व है। हाँ, पूजा में जरूर बैठना। ऐसे अलग से रोज पूजा आप करते हो तो ऐसे पंच कल्याणक की पूजा नहीं मानी जाती है, लेकिन जो पंच कल्याणक की पूजा होती है उसमें इंद्र इंद्राणी बनकर के बैठना उसका अलग ही महत्व होता है। इसलिए पंच कल्याणक की पूजा छोड़ना मत, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। और एक और बात अभी चर्चा हुई कि अभी तक ज्ञान तीर्थ जो बन रहा था, बनने तक में तो सबका सहयोग है ही, लेकिन बनने के बाद, पंच कल्याणक के बाद इसको चलाना कैसे है? क्योंकि बनाने तक का तो एक काम हो गया, लेकिन अब ये जो सैकड़ों साल का तीर्थ बन गया है इसको मेंटेन कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, इस विचार मैंने दिया और सबको वो विचार अच्छा लगा और वो विचार मैं आपको भी दे रही हूँ, वो आपको भी अच्छा लगेगा। तो मेरा मन ये है कि जितने ज्ञान तीर्थ के आसपास की समाज है, मुरैना है, ग्वालियर है, जौरा है, अम्बा है, आगरा है, धौलपुर है और मनिया है और जो आसपास की 50-60 किलोमीटर की जैन समाज है, सब जगह से व्यक्ति लिए जाएंगे। कुछ कुछ व्यक्ति, कहीं से 5, कहीं से 10, कहीं से 4, कहीं से 2 व्यक्ति लिए जाएंगे और उन सब की एक समिति बनाई जाएगी और दिल्ली वाले तो रहेंगे ही उसमें। दिल्ली वालों को छोड़ कैसे सकते हैं, वो तो रहेंगे ही उसमें। मेरठ भी आ जाएगा उसमें, गाजियाबाद भी आ जाएगा उसमें, मुजफ्फरनगर भी आ जाएगा, उनको भी जोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की, इसलिए उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं।
तो सबके मिलाकर के एक कमेटी व्यवस्थापक व्यवस्था कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के माध्यम से फिर इस ज्ञान तीर्थ का संचालन किया जाएगा। और एक और बात मैंने जो विचार दिया था वो भी मैं आपको बता दूं कि ज्ञान तीर्थ में जगह बहुत है और अभी भी बहुत जगह खाली है। तो कल मैंने चर्चा की, भाई इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि समाज को लाभ मिल जाए इसमें। तो चर्चा आई, बोले नहीं माता जी, हो सकता है भले कुछ भी हो, लेकिन शादी ब्याह भी एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसको सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत ही लिया जाता है। तो मैंने कहा यदि उसकी व्यवस्था भी वहाँ कर दी जाए तो लोगों को वहाँ आना जाना भी हो जाएगा, लोगों का आवक जावक भी रहेगी, और वहाँ पर लोगों को जहाँ कहीं 10 लाख लगते हैं, कहीं 5 लाख लगते हैं, सब लोग नहीं दे पाते हैं, तो कम में अपनी समाज का काम भी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अरे बोलिए ना, हैं? और वहाँ पर जब दीदी रहेंगी वहाँ पर, तो आप लोगों को वहाँ का निर्देशन भी मिलता रहेगा। तो इस तरह से जो आगे की भूमिका पंच कल्याणक के पहले ही बनाई जाएगी और उसको पहले ही बना करके उसकी घोषणा करी जाएगी, ताकि आने वाले समय में इस तीर्थ की रक्षा के लिए आप सदा हमेशा तत्पर रहें, है ना?
पहले भी 5-6 बार आ चुकी हूँ माता जी, और मंसूर वाले के नरेश जी दोषी की बेटी हूँ, जो हमेशा यहाँ आते हैं। और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है कि जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हों, और अपने दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है कि जैसे मूर्ति तो देखते ही रह जाते हैं कि क्या चमत्कार, और इतनी शांति मिलती है यहाँ के कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। जो अद्वितीय अस्मरणीय अतुलनीय है, इसके दर्शन करके जो हमारा रोम रोम खिल उठा है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये माताजी ने जो ये निर्माण करवाया है, उसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बड़ा काम कैसे होता है पूछो मेरे दिल से, बड़ा काम कैसे होता है पूछो मेरे दिल से, बड़ा लक्ष्य हो बड़ी सोच हो नियत कल्याणी, किंतु अहम छोटा हो जिसमें सहज मिले सहयोगी। और मैं माता जी से भगवान से बार बार यही विनती करता हूँ कि मुझे हर साल कम से कम वर्ष में एक बार जरूर यहाँ पे बुलाएं, मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है। और यही बोलूँगा, उस ओर ले चलो हमें प्रभु, उस ओर ले चलो हमें प्रभु, जहाँ शोक न हो संतापन हो, मानवता का परिहासन हो निष्ठुरता का अभिशापन हो। नमोस्तु। पहले 3 बार आ चुके हैं, परंतु इतनी जल्दी यहाँ पर प्रोग्रेस हुआ, ये मतलब देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि इतना अधिक हुआ है। देव इतना ये सब माता जी का मतलब के कारण आशीर्वाद है, इसके कारण से हुआ, हमको बार बार यहाँ आना पड़ा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें। पूर्व इतने कम समय में जो जहाजपुर का कायाकल्प किया है, मैं सन 2015 में आया था, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक छोटे से पत्रे के उसमें मंदिर बना हुआ था, और छोटे से 2-3 कमरे थे, बड़ी मुश्किल से रहने के लिए भी जगह थी, और आज जो बना दिया है वो तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जय जिनेंद्र। माता जी के ही इच्छा अनुसार हम लोग आज सभी दर्शन करने जहाजपुर आए हैं। यहाँ आके हम लोग को बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा, कभी सोचा नहीं था कि बोली आरती की भी बोली लेंगे, हाँ। और कलश की भी बोली लेंगे, पर मन माना ही नहीं, मतलब इतना मन हो गया करने के लिए कि शांतिधारा या कलश कर, शांतिधारा करनी है, पर पता नहीं यहाँ आते ही ऐसे परिणाम बदल गए कि शांतिधारा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। शांति धारा करने के बाद मेरा अनुभव ऐसा है कि इनकी प्रतिमा को मैं हमेशा इसी तरह
देखते रहो, इतनी इसमें चमक है। मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आकर जितनी भी जल्द इसका लाभ ले सके। और इस मूर्ति में एक अनोखी बात है जो कि मतलब मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर पाता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। और यहाँ का वातावरण आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एकदम शांतिमय हो गए। आपका मन में किसी प्रकार के विचार, शुद्धता और एकदम निराकार होकर आप इनके दर्शन कर सकते हैं। ये भावना के साथ आप सभी को जय जिनेन्द्र। शिवरत्ननाथ भगवान की प्रतिमा का दर्शन बड़ा अद्भुत है और निराला है, बड़ी मनहारी प्रतिमा है। तो यहाँ प्रतिमा से नज़र ही नहीं हटती, इतनी सुंदर, इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है कि प्रतिमा को देखते ही जाओ फिर भी मन नहीं भरता। तो हम तो आज यहाँ धन्य हो गए हैं भगवान, आज आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए, अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बड़े भाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं। और इसी तरह हमेशा हम आगे भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए, और आज मेरी यहाँ भावना बनी है शायद ये आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो, यहाँ आकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने की। तो इतनी सुंदर प्रतिमा के दर्शन करके ऐसे भाव जगे हैं, तो शायद आपके आशीर्वाद से ये कार्य मेरा सफल हो, ऐसी प्रभु आपसे आज्ञा चाहते हैं। और सभी यहाँ के दर्शन जरूर करें, बड़ी अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और निर्माण कार्य जब चल रहा था उस समय हम यहाँ पर आए थे, और आज का देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम कहीं स्वर्ग में तो नहीं आ गए। ऐसी व्यवस्था, ऐसे डिसिप्लिन, ऐसा अभिषेक, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बार बार आने का मन यहाँ पे लग रहा है। यहाँ के सभी ट्रस्टियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।
चलो रे 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 चलो र